सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा फेसबुक पे प्रॉब्लम आ रहा है, महिंद्रा योर डिग्रीज योर मतलब दिखा इसमें ऐसा कुछ तो डिसएग्रीड और विथ योर डिसीजन, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के आ रहा है ऑन 20 फेब 2022। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, तो मैं इस बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्या आता है हमारे फेसबुक में, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इस वीडियो में यही बताएंगे। अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा ऐसा है, तो हमारा अकाउंट में ऐसा कुछ आता है, तो आने के बाद आपको इसको कर देना होगा क्लोज। तो क्लोज होने के बाद देख लीजिए आपका कुछ ऐसा होगा महिंद्रा, तो महिंद्रा जट, तो यहाँ पर ऐसा फिर से आता है, आपको फिर से कर देना क्लोज, ओके कर देना होगा। बट यहाँ पर देख लीजिए लॉगिन वगैरह कुछ आ रहा है, तो इसको भी मैंने स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद फिर भी ऐसा आ रहा है, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ फिर भी ऐसा आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको करने के लिए आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको यहाँ कर लेना होगा अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन। तो क्रोम ब्राउज़र देख लीजिए, क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद देख लीजिए आपको उसमें facebook.com से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पर आने के बाद आप भी किसी और अकाउंट में लॉगिन करें, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट एक्सेस है, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ अपना अकाउंट। अकाउंट एक्सेस होने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड में यहाँ पर पासवर्ड में फिल कर देता हूँ इसका पासवर्ड। पासवर्ड फिल होने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेट हो रहा है। वेट होने के बाद इसमें भी कुछ ऐसा बता रहा है, बताने के बाद यहाँ पर देख रहा है जारी रखे, तो मैं जारी रखने पर क्लिक कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैं जारी पे क्लिक कर देता हूँ, हाँ जारी रखें। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस होता है, देख लीजिए क्या प्रोसेस है इसमें। तो यहाँ पर इसमें कुछ लैंग्वेज हिंदी है, तो आप 3 दिनों के लिए पोस्ट और कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पर मैसेंजर का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपकी आईडी सस्पेंड हो गई है 30 दिनों के लिए, तो यहाँ पर आप 30 दिनों के लिए मतलब यहाँ पर 3 दिनों के लिए बताया गया है, नीचे लिखा है 30 दिनों के लिए आप पोस्ट नहीं आ दें, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए केवल आप ही देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ लिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कर दिया, बट यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं फिलहाल एक बार और चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर चेक करने के लिए मैं एक बार फिर से बैक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो रिफ़्रेश होने के बाद देख सकते हैं फिर से जारी रखें, जारी रखने के बाद देख लेते हैं, मैंने फिर से जारी रखने के बाद क्लिक कर दिया, बट यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, करने के बाद देख लीजिए आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ऐसे चले जाना होगा बैक जाने के बाद, देख लेते हैं बैग जाने के बाद फिर वही ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपको यहाँ पर लॉगआउट नहीं जाना होगा, वापस चले जाना होगा। तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें दिखाया गया है कि आपकी जो आईडी है, देख सकिए बैक करके मैं दिखा देता हूँ, आपकी जो आईडी है, तो यहाँ पर आपको केवल लिखा देखा है कि आपकी जानकारी के लिए रिव्यू, तो यहाँ पर ऑलरेडी वही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बैक कर देता हूँ फिर से। तो इसको ओपन करने के लिए 30 इसमें कुछ डेट मेंशन है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है सही से दोस्तों। मैं फिर से बैक कर देता हूँ, लॉगआउट कर देता हूँ यहाँ पर लॉगआउट। तो लॉगआउट करने के बाद आपका 5 दिनों के अकाउंट बंद किया जाएगा, मतलब 5 दिनों में आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लिख देना होगा फेसबुक यस योर सपोर्ट। तो फेसबुक सपोर्ट यहाँ पर देख लीजिए, फेसबुक सपोर्ट का ऑप्शन आया, तो फेसबुक सपोर्ट यहाँ पर लिख दूंगा जीमेल, तो यहाँ पर ईमेल लिख देना फेसबुक ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ फिर से। तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, सर्च करने के बाद ये देख लीजिए फेसबुक हेल्प सेंटर आ गया है, फेसबुक का हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो हाँ यहाँ पर लिखा है आप मदद ले सकते हैं, तो मदद लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, तो वहाँ पर देख लेते हैं हाँ मुझे यही करना है, तो बट मेरा अकाउंट नहीं हो रहा है लॉगिन। अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ करना होगा, बट यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं दे रहा, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि दोस्तों इसमें बताया गया कि आपके आईडी 25 को मतलब आ जाएगी, अगर आपका डेट ऐसा मेंशन है तो आपकी आईडी मतलब आपको डरना नहीं है, आपकी आईडी आ जाएगी। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल यही आपको प्रूफ दे मतलब बता रहा था कि कोई इसका वो नहीं ओपन करने का तरीका। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ऐसे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपकी सॉल्यूशन जरूर बताऊँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो दोस्तों बाय बाय, टाटा।